सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं विज्ञान कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा जो यूपी बोर्ड का है 2022-23 में एक जो एग्जाम हुआ है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार के ये पेपर हैं। यदि आप कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर नहीं देखे हैं हाफ ईयरली 2022-23 और कक्षा 9वीं के अंग्रेजी का पेपर हाफ ईयरली 2022-23 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक कर सकते हैं। तो यह विज्ञान के पेपर जो है आपके दो खंडों में बटा है। शुरू में देखें निर्देश दिया हुआ है, पूर्णांक 70 नंबर का है, समय 3 घंटा 15 मिनट है। पूरा जो पेपर है दो खंडों में बटा, खंड अ और खंड ब। खंड अ आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो कि OMR सीट पर 4 विकल्पों में जो सही विकल्प बनता है उस क्वेश्चन का, उस सही विकल्प वाले गोले को OMR सीट पर आपको सेलेक्ट करना है, भरना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। यहाँ पे ये जो है जो खंड अ है ये आपके अलग अलग खंडों में विभक्त है, खंड क, खंड ख और खंड ग, जिसमें खंड क जो है आपका भौतिक विज्ञान है, खंड ख आपका रसायन विज्ञान है और खंड ग जीव विज्ञान से क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। तो प्रत्येक खंड सभी खंड करने अनिवार्य हैं, सभी के जो अंक हैं उनके सम्मुख दिया गया है। आइए खंड अ जो शुरू होता है यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी, जिसमें आपका भौतिक विज्ञान भी है, रसायन विज्ञान भी है और जीव विज्ञान भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें कि निम्न में अदिश राशि है, 4 विकल्प आपके सामने है। देखिए अ दिया है बल, बी वाला दिया है आपका आवेग, सी दिया है संवेग और डी वाला दिया है दाब। जैसा कि आपको पता है कि राशियां दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि एक अदिश राशि। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जो कि बल है, आवेग है, संवेग है। इसमें बल, आवेग, संवेग तीनों जो है कि सदिश राशि है। और जो अदिश राशि होगी इसमें डी वाला विकल्प दाब, दाब एक अदिश राशि है, यहाँ पर डी वाला विकल्प राइट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। जानते हैं वेग जब परिवर्तित होगा समय के साथ तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, चारों में ए सी वाला विकल्प आपका त्वरण राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बल का मात्रक है, बल का मात्रक तो न्यूटन होता है या किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 4 विकल्प आपके सामने है, बल F बराबर MA होता है, M का मात्रक किग्रा और त्वरण का मात्रक जब करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी B वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। और चौथा क्वेश्चन देखें, किसी पत्थर को एक भवन की छत से गिराया गया और यह 2 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुँच गया, तो भवन की ऊँचाई क्या होगी। देखें यहाँ पर आपको टाइम तो दे दिया है और जब वहाँ से प्रारंभ हुआ था, पत्थर नीचे गिरना शुरू हुआ तो उस वक्त जो प्रारंभिक वेग u है उसकी वैल्यू 0 होगी। अब समय दिया है और गुरुत्वीय जो त्वरण होता है पृथ्वी पर 9.8 होता है, तो आप गति का जब दूसरा समीकरण रखेंगे s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, जिसमें u की वैल्यू आपकी प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगी, तो आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगा। वह इक्वेशन होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी का वर्ग। अब इसमें आप देखते हैं, इसमें देख रहे हैं कि जो u है प्रारंभिक वेग आपका होता है, प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 दिया है। जैसे ही यहाँ पे u की वैल्यू 0 रखेंगे प्रारंभिक वेग, और जब इसका मान रखेंगे यहाँ t स्क्वायर होता है हाफ ए टी का वर्ग, तो यहाँ पे s की वैल्यू h रख सकते हैं दूरी डिस्टेंसेस के लिए, तो टोटल फार्मूला आपका जो जनरेट होगा 1/2 AT². अब इसमें साधारणतः आप मान रख दीजिए 1/2 गुणिते पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 होता है और समय आपका 2 दिया है, 2 गुणिते 2 करेंगे चूँकि स्क्वायर है। अब 2 से 2 यहाँ पर काट दीजिए, अब गुणा करेंगे तो एक कितना आएगा 19.6 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात इस चारों में से जो विकल्प आपका राइट होगा ये बी वाला विकल्प राइट होगा 19.6 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 5वां क्या पूछा है कि ऊर्जा कैसी राशि है। देखिए कार्य और ऊर्जा जो है ना ये अदिश राशि के अंतर्गत आती है, ए वाला विकल्प यहाँ पे राइट काट देंगे। और 6वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4 किग्रा की कोई वस्तु है, यानी कि द्रव्यमान एम आपका दिया है 4 किग्रा और त्वरण यहाँ पर आपको 5 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है, त्वरण यहाँ पर
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पर साधारणतया ये बल पूछ रहा है, बल कितना न्यूटन लगेगा। आप जानते हैं कि गति का जो न्यूटन के गति विषयक संबंधी जो दूसरा नियम होता है, एफ बराबर एम ए होता है। एम की वैल्यू आपका दिया ही है 4 और ए की वैल्यू 5 दिया है, दोनों का गुणा करेंगे तो 20 न्यूटन आएगा। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न 7वां देखिए, गति का जो प्रथम समीकरण है उसका शुद्ध रूप क्या होता है। गति का समीकरण जो पहला समीकरण आपको बताया गया होगा, वी बराबर यू धन एटी होता है। सही सही जो होता है चारों विकल्पों में सी वाला विकल्प आपका यहां पे भी बराबर यू धन एटी यानी डी वाला विकल्प यहां पे राइट हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन थे आपके खंड क यानी कि आपके भौतिक विज्ञान से, यहां पर अब खंड ख में आइए, बहुविकल्पी क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपके रसायन विज्ञान से होंगे। तो यहां पे 8वां वाला क्वेश्चन दिया है, ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। देखिए ऊर्ध्वपातन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कोई भी पदार्थ होता है तो सीधे वाष्प में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने है, वह होता है नवसादर। नवसादर को इस मेथड से शुद्ध किया जाता है, सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। 9वां देखिए, धातुएं होती हैं तो धातुएं चमकीली और गहरे रंग की भी होती हैं और धातुएं जो हैं विद्युत ताप तथा उष्मा के सुचालक भी होती हैं और ये जो धातुएं होती है अघात वर्ध एवं तन्य होती हैं, बहुत नॉर्मल भी होती हैं, विद्युत चालकता इनकी तीव्र होती है। यानी डी वाला विकल्प यहाँ पर राइट कर देंगे, सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे इसमें डी वाला। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखें, पानी का ग्राम अणु द्रव्यमान होगा। 4 विकल्प आपके सामने है। देखिए जो पानी का सूत्र होता है H2O होता है H2O। अब आप इसका अणु द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान पूछा जा रहा है आपसे, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान के लिए हम क्या करेंगे, इनका अणु भार रखेंगे। हाइड्रोजन का अणु भार 1 होता है, 1 गुणित्य आप 2 लगाया है, यहाँ पर अणु 2 अणु हैं तो 2 का गुणा करेंगे। आप प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है मोलर जो मास होता है, टोटल जोड़ेंगे तो 18 ग्राम आपका पानी का अणु द्रव्यमान आएगा। अर्थात जो विकल्प यहाँ पर होगा सी वाला विकल्प आप राइट कर देंगे, 10वां का सी। अब क्वेश्चन नंबर 11वां देखें, नाभिक में रहता है, जानते ही हैं नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। यानी यहाँ पर डी वाला विकल्प आप राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी गैस को द्रवित करने के लिए, अब किसी गैस है, कोई गैस है उसको द्रवित करने के लिए कौन सा यहाँ पर देखें प्रोसेस चाहिए। तो गैस को द्रवित करने के लिए जानते हैं निम्न ताप आप रखेंगे और उच्च दाब रखेंगे, तभी वह जो है गैस द्रवित किया जा सकता है। 4 विकल्प आपके सामने है, चारों विकल्प में बी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखें, 13वां क्वेश्चन, निम्न में किसका आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। जल का, लकड़ी का, ऑक्सीजन का, लोहा का। ऑक्सीजन जो होता है गैस में, गैस के फॉर्म में होता है, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है इसका आयतन और आकार कोई भी फिक्स नहीं होता, सी वाला विकल्प राइट होगा। अब उपखंड ग बहुविकल्पी प्रश्न, ये आपके जीव विज्ञान से दिए गए क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए पहला यहाँ पर 14वां वाला क्वेश्चन क्या आया है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस विद्युत घर माइटोकांड्रिया को कहा जाता है, ये सी वाला विकल्प यहाँ पर राइट काट देंगे। क्वेश्चन नंबर 15वां आइए, 15वां दिया है, देखिए स्नायु और कंडरा किसके बने होते हैं। तो स्नायु और जो कंडरा होते हैं ये संयोजी ऊतक के बने होते हैं, यहाँ पर सी वाला विकल्प राइट काटेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखें, अमीबा निम्न में किस वर्ग का प्राणी है। तो आपको पता होगा कि अमीबा जो है संघ प्रोटोजोआ का प्राणी होता है, सी वाला विकल्प राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17वां देखें, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सौर ऊर्जा डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है केमिकली एनर्जी में, अब यह किसके किस प्रोसेस के अंतर्गत होता है। श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन। जानते हैं हमारे जो पौधे होते हैं, पौधे पर जो है उनकी पत्तियां जो होती है प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, वो भी सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। तो यहाँ पर वो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वो भोजन अपना बनाते हैं, रासायनिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके, बी वाला विकल्प यहाँ पर राइट काटेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या दिया है, कोशिका की खोज किसने किया था। तो आपका आपको पता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, बी वाला विकल्प राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाहित किए गए इस पेपर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए पौधों के लिए,
और सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो गया। 20वां क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। जो देखें, जो कोशिका भित्ति होती है पौधों की, कोशिका भित्ति ये सेलुलोस की बनी होती है। बी वाला विकल्प यहाँ पे राइट काटेंगे। इसके बाद यहाँ से देखिए शुरू होता है खंड ब। खंड ब ये अलग अलग उपखंड क ख ग में बटा है, क्योंकि भौतिक विज्ञान भी रहेगा, जीव विज्ञान भी रहेगा और रसायन विज्ञान। उपखंड क यानी कि ये भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो भौतिक विज्ञान का ये जो पहला क्वेश्चन दिया है ये लघुत्तरी क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि चाल और वेग में अंतर, यहाँ पर प्रोसेस में चाल और वेग में यहाँ पर अंतर आपको बताना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी को किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। जबकि इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को, विस्थापन जब आप रखेंगे तो वेग कहलाता है। यह जो चाल होती है वह अदिश राशि है, जबकि वेग आपका क्या होता है, सदिश राशि होता है। और जो चाल होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो सदैव धनात्मक में आती है, और जो वेग होता है इसका जो मान आता है धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है। इस तरह से आपको डिफरेंस लिखना है। अब जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से दिया गया है। एक गाड़ी का द्रव्यमान यम की वैल्यू यहाँ पर 2000 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 2 मीटर प्रति सेकंड के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है, यानी त्वरण ए की वैल्यू यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, जो बल है, यह का मान पूछा जा रहा है। तो न्यूटन का जो दूसरा रूल था, उन्होंने एफ बराबर एम ए का जो रूल दिया था कि लगाया गया जो बल होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो द्रव्यमान जो है आपका 2000 है और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर आपका बल निकल आएगा 4000 न्यूटन। इस तरह से इसको आपको सॉल्व कर लेना है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है कि कोई भी विश्व का जो भी प्रत्येक पिंड हो चाहे वस्तु हो, हर एक पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, एक बल से आकर्षित करते हैं। और यह जो बल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और जबकि यही बल उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस रूल के मुताबिक जो फोर्स होता है ए प्रोपोर्शनल टू दी दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के। मान लीजिए एक द्रव्यमान M1 है और दूसरा आपका M2 है, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। और दूसरा ये चीज़ कहता है कि ये जो फोर्स होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दी दोनों के पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो पिंड हैं और उनके बीच की दूरी डी, मान लें डिस्टेंसेस डी, तो एफ जो होता है प्रोपोर्शनल टू दी 1/d² के, समीकरण नंबर 2। अब यदि दोनों को समाहित करें तो क्या हो जाएगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू दी M1 × M2/d². अब क्या होगा, दोनों को जब आप लगाएंगे, आप इसको हल करेंगे तो एफ आपका एक कन्वर्ट हो जाएगा एक स्थिरांक है, एफ बराबर जी इंटू M1 × M2/d². जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। M1 M2 क्या है, दिए गए दोनों पिंडों का अलग अलग द्रव्यमान है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो मान होता है 6.7 × 10⁻¹ⁱ N·m²/kg². तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे यहाँ से देखिए दीर्घोत्तरी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भौतिक विज्ञान से ही आपका 6 नंबर का है और चौथा वाला। गति का जो तीसरा समीकरण होता है V²=E²(2s), इसकी व्युत्पत्ति करना है यानी कि इसको सिद्ध करना है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको निगमन करने के लिए आप शुरू में पहले मान लेंगे, माना कि कोई भी गतिमान वस्तु है जिसका प्रारंभिक जो वेग है u है, स्मॉल u मान लीजिए, और t समय के बाद उसका जो लास्ट वाला वेग है स्मॉल v मान लीजिए, और उस वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण है a है इतना मान लेंगे, तथा उस वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी है s मान लेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि गति का जो पहला समीकरण होता है V=u/at, ये गति का पहला समीकरण है। अब इसको इस V=u/at इसको जब इसमें आप at को पक्षांतर करेंगे, या ये कहें कि यह u वाली वैल्यू को उस साइड में ले जाइए, तो ये u वाली वैल्यू जब इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका at बराबर आप लिख सकते हैं V-u पक्षांतर करने पर।
तो टी बराबर क्या प्राप्त होगा? आपको टी की वैल्यू आपको निकालनी होगी। टी बराबर क्या होगा? वी माइनस यू बटे ए। ए का क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ए आपका समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब आपको पता है कि गति का जो दूसरा समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का वर्ग, ए समीकरण नंबर 2 होता है। अब इसी समीकरण 2 में यह जो हम लोगों ने प्राप्त किया समय की वैल्यू, टी की वैल्यू समीकरण 1 से, इस टी का मान इस समीकरण नंबर 2 में हमें पुट अप करना है किसके स्थान पर, जहाँ जहाँ आपको समय दिखाई दे रहा है। जैसे यू टी है, यू टी में टी के स्थान पर रखिए, ए टी स्क्वायर में टी स्क्वायर के स्थान पर रखिए। तो यहाँ पर रखने पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए यू गुणित टी, टी की वैल्यू वी माइनस यू बटे ए जो कि समीकरण 1 में दिया गया है, अब प्लस हाफ ए टी, ए इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का फिर वैल्यू यहाँ पर कोष्टक में करके रख दीजिए। इसके बाद क्या करना है, सेम वैल्यू वहीं उतारिए, इसको उतारें, यहाँ पे चूंकि वर्ग लगा है तो ए स्क्वायर कर दीजिए, इसके बाद ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए इन दोनों का लसर निकाल लेना है। जब यहाँ से ए ए काटेंगे और 2 का नीचे गुणा करेंगे तो 2 ए हो जाएगा। अब दोनों के हरों का यहाँ पे लसर 2 ए आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई जब ए का 2 ए में भाग देंगे तो ए से ए कट जाएगा, 2 आएगा। इसके ऊपर में जस्ट 2 का हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, या तिरिया गुणा करके भी हल कर सकते हैं। अब 2 ए का 2 ए में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का जस्ट इसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। इसके बाद यस के बटे 1 लिखकर यहाँ से पुनः तिर्यक गुणा करेंगे। देख रहे हैं तिर्यक गुणा आप जैसे करेंगे सावधानी से, 2 यू का इसके अंदर दोनों में गुणा हो जाएगा। यहाँ ए माइनस बी स्क्वायर का पूरे का सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो यहाँ पर माइनस 2 यू भी हो जाएगा। 2 यू भी से माइनस 2 यू भी कट जाएगा प्लस माइनस के वजह से। अब जो राशि बचती है यहाँ सजाती सजाती इसको एक तरफ करें तो यहाँ से देखिए माइनस 2 यू स्क्वायर में से 1 यू स्क्वायर घटाएंगे तो वी स्क्वायर माइनस क्या आएगा, यू स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से इसको पक्षांतर कर लीजिए वैल्यू को, क्या हो सकता है, यहाँ से यू स्क्वायर को उस पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 ए एस पहले से है तो यहाँ से एक आपको जनरेट हो गया समीकरण, वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। यही आपको सिद्ध करना था, निगमन करना था। तो चौथा का क्वेश्चन ये करें अथवा ऑप्शनल है, ऑप्शनल में एक फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है कि एक पत्थर को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो जी की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दो चीज़ें यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है, पत्थर कितने समय में भूमि पर पहुँचेगा पहला पॉइंट पूछ रहा है, और दूसरा पॉइंट ये पूछ रहा है कि पत्थर कितने वेग से भूमि पर टकराएगा, यानी यहाँ पर आपको टी की वैल्यू पूछ रहा है और अंतिम वेग जो भी वाला है लास्ट वेग भी की वैल्यू पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है। जो चीज़ दिया है ऊँचाई दिया है और त्वरण दिया है, तो इस क्वेश्चन में आपको ऊंचाई 20 मीटर दिया गया है और जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। आपसे ए समय पूछ रहा है तो आपको पता है कि जो एच बराबर होता है फार्मूला 1/2 जी टी स्क्वायर होता है, क्योंकि गति का जो दूसरा समीकरण लगाते हैं तो प्रारंभिक वेग यहाँ पर यू जो होता है 0 होगा, इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला प्राप्त होता है एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे एच की वैल्यू आपको दिया गया है 20 मीटर और हाफ गुणित जी की वैल्यू 10 रखें, टी की वैल्यू यहां से पूछा जा रहा है 2 से कर दीजिए, 2 पंचे 10, 5 चौका 20, यहां 4 आएगा, यानी टी स्क्वायर बराबर 4 आया तो टी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ली में 4 कर दीजिए, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 सेकेंड इसका पहले वाले का उत्तर आया। और जो दूसरा चीज़ पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कितने वेग से टकराएगा, अब गति का जो पहला इक्वेशन होता है आपको पता है कि वी बराबर क्या होता है, यू धन ए टी। अब इसमें मान रखेंगे तो भी की वैल्यू निकल आएगी, प्रारंभिक वेग 0 है, ए की वैल्यू 10 दिया है, टी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे भी की वैल्यू 20 मीटर प्रति सेकंड आंसर इसका होगा। इसके बाद आपका उपखंड ख में आपका लघुत्तरी प्रश्न यहाँ से शुरू होता है जो कि रसायन विज्ञान से ही है। पांचवा वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों की विवेचना करना है या उनमें अंतर बताना है। तो आपको पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों का हेडिंग देकर के आपको अलग अलग इनके डिफरेंस बताना है। जैसा कि आपको पता है कि ठोस के अणु काफ़ी निकट होते हैं, उसके जो अणु होते हैं उनके बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, जबकि द्रव के अणु ठोसों के अपेक्षा दूर दूर होते हैं और गैसों के अणु तो बहुत दूर दूर होते हैं।
जिनमें गैसों के बीच, दो अणुओं के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू दी ठोस और द्रव के तुलना में। ठोस दृढ़ होते हैं, जो द्रव होते हैं उतना दृढ़ होते नहीं। उनका जो है आयतन निश्चित होता है पर आकार अनिश्चित होता है द्रवों का। गैसों का तो आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है। इस तरह से इनमें डिफरेंस आपको कंप्लीट कर लेना है। प्रश्न छठवां देख रहे हो, टिंडल प्रभाव पूछ रहा है, टिंडल इफेक्ट, इसको आपको देख लेना है। इसमें आपको बताया गया होगा कि जब प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो प्रकाश की किरणों को लेंस के माध्यम से यदि किसी कोलाइडी बिलियन में से आप गुजारते हैं और उसका 90 डिग्री पर सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करते हैं तो जो कोलाइडी कण होते हैं अंधेरे में घूमते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ एक शंकु जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस स्ट्रक्चर को इस प्रकार की जो परिघटना होती है उसको टिंडल ने पहली बार देखा था और इस परिघटना को उन्होंने टिंडल प्रभाव कहा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है सातवां वाला क्वेश्चन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पूछा जा रहा है, 6 मार्क के होते हैं, इसको आप देख लेंगे। जो वैज्ञानिक डाल्टन थे उन्होंने इस सिद्धांत को 1803 ईस्वी में बताया हुआ था। उन्होंने बताया कि पदार्थ के जो सूक्ष्म कण होते हैं, कोई भी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिल करके बना होता है और ये जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, उनको और आगे तोड़ा या काटा विभाजित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया था कि कोई भी यदि तत्व होता है तो किसी भी तत्व विशेष के जो सभी परमाणु हो या उसके भार या रासायनिक गुण धर्म वो सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। और यदि कोई यौगिक बना रहा है तो उस यौगिक में जो पार्टिसिपेट करने वाले परमाणु होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो फिक्स होती है, निश्चित होती है। इस सिद्धांत को आप चेक कर लेंगे अथवा ऑप्शनल यहाँ पर दिया है। आगे यहाँ पे 3 क्वेश्चन किया गया है। पहला पूछा है कि संतृप्त विलयन, यहाँ पर संतृप्त विलयन पूछा है। तो संतृप्त विलयन क्या होता है कि कोई दिया गया जो निश्चित ताप होता है उस ताप पर द्रव में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घोले जा सकते, उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे आप पानी लेंगे उसमें चीनी मिलाएंगे तो आखिर कितना चीनी घोला जा सकता है उस पानी में, एक ऐसी टाइम आएगा कि और अधिक नहीं घोला जा सकता। इस प्रकार का जो विलयन होता है संतृप्त विलयन कहलाता है। और दूसरा पूछा है कि कोलाइडी कण जो होते हैं ना ये विषमांगी तंत्र होते हैं, यानी कि एक विषमांगी मिश्रण होते हैं जिसमें विलेय और विलायक दोनों के जो कण होते हैं समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइडी कणों का जो आकार होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच माना जाता है। तीसरा वाला पूछा है निलंबन, देखिए निलंबन भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलायक में कोई विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, कोई भी विलायक है तो उस विलायक में विलेय पदार्थ नहीं घुलता, वो दिखाई भी देते हैं। जैसे पानी में बालू मिट्टी इत्यादि के जो कण होते हैं उसको आराम से कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं, धुंध है, रक्त है, दूध, ये सब, ये धुंध, रक्त और ये दूध, ये सब तो मान लीजिए कोलाइडी विलयन होते हैं। लेकिन निलंबन में वो डायरेक्टली में जो कण होते हैं वो सीधे आपको दिखाई देंगे। जैसे चाक, अब चाक को यदि हम चाक के पाउडर को पानी में मिलाए तो चाक के कणों का अवलोकन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं में डिफरेंस पूछ रहा है, तुलना पूछ रहा है, अंतर। तो आपको जानते ही है कि जो जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं वो जो है आकार में छोटी होती हैं पादप कोशिकाओं की अपेक्षा, और पादप कोशिकाओं का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ छोटी होती हैं, पादप कोशिका में जो वैक्यूम होते हैं रिक्तिकाएँ होती हैं वो बड़ी होती हैं। जंतुओं की जो कोशिका भित्ति होती है कोशिका भित्ति उसमें नहीं पाई जाती है, जबकि पादपों में एक कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जंतुओं में जो तारकाय केंद्रक इत्यादि जो है पाए जाते हैं और पादप कोशिका में जो तारकाय है, तारक केंद्र, ये सब नहीं पाए जाते हैं, इनको आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन 9 पूछा है कि हृदय पेशी के लक्षण बताना है। देखिए हृदय की जो पेशियाँ होती हैं वो थकती नहीं हैं, अनैच्छिक होती हैं, बेलनाकार होती हैं और उनके जो ऊतक होते हैं ऊतकों पर हल्का और जो उनकी धारियाँ होती है वो कम गहरी होती हैं, इसको आप चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा माइटोकांड्रिया क्या है। तो माइटोकांड्रिया सभी यूकैरियोटिक जो भी कोशिकाएँ होती हैं कोशिका के कोशिका द्रव्य में ये पाई जाती हैं। इनकी जो झिल्ली होती है दोहरी इकाई की होती है, इनमें एक प्रकार का एक तरल पदार्थ भरा होता है
अब इसके पूरे स्ट्रक्चर को, इसमें क्रिस्टी भी होती है, क्रिस्टी की सतह पर ऑक्सीसोम तमाम प्रकार की घुंडियाँ होती हैं और इनको पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये ऊर्जा का जनरेट करती हैं। इसको आप चेक कर लेंगे। क्वेश्चन 11 पूछा है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी में क्या अंतर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप चेक कर लेंगे। जो रेखित पेशियाँ होती हैं इनको ऐच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं, अरेखित पेशियों को अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। और जो हृदय पेशियाँ होती है यह तो बेलनाकार शाखित होती हैं। ये जो रेखित और ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, ये जो पेशियाँ होती हैं गहरे हल्के रंग की होती है, एकांतर क्रम में जुड़ी होती हैं। इस तरह से आपको पूरा डिटेल में आपको अपने बुक से इसको देख लेना, तैयार करना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, रक्त के कार्य लिखिए। यहाँ पे जानते हैं कि रक्त जो होता है शरीर में पोषक का काम करता है। तमाम जो पोषक पदार्थ होते हैं रक्त के माध्यम से हमारे तमाम अंगों, शरीर के अंगों में जाते रहते हैं। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रक्त क्या करता है, फेफड़ों तक पहुँचाने का काम करता है और फेफड़ों से ऊतक और उसको से कोशिकाओं तक जाता है। और शरीर में जो बने हुए वर्ज्य पदार्थ, ये CO2 गैस होता है, इनको फेफड़ों तक ला करके बाहर निकालने में मदद करता है। तमाम हानिकारक और उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं शरीर से रक्त के माध्यम से निकाल दिए जाते हैं। और शरीर के ताप को भी ये कंट्रोल करता है जो रक्त होता है। पूरा जो हार्मोन सिस्टम है इस पर, हार्मोन इत्यादि का जो है, ये जो रक्त है परिवहन करता है, बैक्टीरिया इत्यादि को नष्ट करने का काम करता है। सो थैंक्स।